इस बार प्याज किसान बेहद निराश हैं। किसानों को उनकी लागत का पैसा भी नहीं मिल रहा है। बढ़ती महंगाई के चलते लागत पिछले साल की बजाय दोगुनी हो चुकी है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी किसानों को प्याज के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि कम भाव के चलते उनका अब लागत चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। प्याज की खेती करने वाले किसानों की हालत बेहद खराब है, क्योंकि इस बार प्याज के भाव नहीं होने से किसानों को लागत से भी कम पैसे मिल रहे हैं। पिछली बार भाव अच्छे थे, इस बार आधे भी नहीं रह गए। किसानों को प्याज के भाव 6 से 8 रुपए किलो मिल रहे हैं। ऐसे में फसल की लागत चुका पाना भी मुश्किल हो रहा है। किसानों का कहना है कि प्याज का निर्यात भी इस बार कम ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा है, जिससे वहां से आयातक भारतीय निर्यातकों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बांग्लादेश ने आयातित प्याज के टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। किसानों का कहना है कि सरकार को प्याज किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। प्याज को लेकर एक मसौदा तैयार होना चाहिए, जिससे ये पता लगा जा सके कि उत्पादन कितना है, खपत कितनी है, कितने आयात और निर्यात की जरूरत है। मसौदा तैयार होने से प्याज की स्थिति में सुधार होगा। किसानों का यह भी कहना है कि सरकार को प्याज की MSP तय कर देनी चाहिए, जिससे किसानों से कोई भी तय दामों से नीचे खरीदारी ना कर सके। मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।